नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा नया टॉपिक है मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इसके बिना आप आगे की जो चीज़ें हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। मांग का सिद्धांत बहुत ही अहम रोल निभाता है। आप देखते आ रहे होंगे पिछले जो हमने लेक्चर्स किए हैं पिछली क्लासेज में, मांग का नियम या फिर अपन मांग वक्र का निरूपण हर तरह से किया है। सीमांत उपयोगिता हो चाहे चाहे फिर हमने पीपीसी देखा हो तो हमने मांग वक्र निरूपण जरूर किया है। तो मांग वक्र क्या है आज हम इस क्लास में बहुत ही विस्तार से और अच्छे से समझेंगे। इसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते देते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर देखेंगे मांग क्या होती है, मांग का अर्थ क्या है, मांग की परिभाषा क्या है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मांग वक्र क्या होता है, मांग तालिका क्या होती है, मांग वक्र का ढाल कैसा होता है और वो क्यों होता है, मांगी गई मात्रा और मांग मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं मांग क्या होती है, मांग का अर्थ। तो विद्यार्थियों, मांग यहां पर मांग का मतलब डिमांड से है, डिमांड डिमांड से है, दूसरी मांग से नहीं है। ध्यान दीजिए, मांग से पहले हम तीन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली है इच्छा, सेकंड है आवश्यकता और तीसरा है जो है वो है आपकी मांग। इन तीनों में वैसे देखा जाए, देखने में तो तीनों एक जैसी लग रही है कि इच्छा है, आवश्यकता है, मांग है, लेकिन अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं हम वो तो इन तीनों में ही क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, इन तीनों की परिभाषा में ही अंतर आ जाता है। इच्छा इच्छा बोले तो ये कि मुझे एक फोर व्हीलर खरीदनी है, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मेरे पास ना पैसा है और ना खर्च करने की इच्छा है। तो केवल और केवल जब आपकी पास में धन नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है और पर्याप्त धन नहीं है, इसके साथ में आपकी इच्छा है या आप चाहते हैं किसी चीज को खरीदना, तो ये केवल मात्र क्या है, एक अभिलाषा पूर्ण विचार है, अभिलाषा पूर्ण विचार। ठीक है कि मैं एक फोर व्हीलर खरीदना चाहता हूं लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, तो इसके जो मतलब अनुपलब्धता की स्थिति में केवल मेरा एक अभिलाषापूर्ण विचार ही रह जाएगा। इसे हम कहते हैं इच्छा। जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं और किसी चीज को खरीदने का मन होता है वो हमारी इच्छा कहलाती है। लेकिन हम जब आवश्यकता की बात करते हैं, हमारे पास में पर्याप्त धन भी होता है, धन भी है और हम खरीदना भी चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीदना है, लेकिन खरीदने की तत्परता नहीं है, खर्च करना नहीं चाहते, हमारा खर्च करने का मन नहीं है, तो इस स्थिति में मुझे फोर व्हीलर की आवश्यकता है, मेरा विचार है अभिलाषापूर्ण। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास धन भी है, चाहिए भी धन भी है, लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता या फिर उसमें खर्च करने की तत्परता नहीं दिखाता हूं, तो ये इच्छा केवल मात्र हमारी आवश्यकता बन करके रह जाती है। और जब एक निश्चित समय पर हमारे पास धन भी है, हमारे पास में खरीदने की इच्छा शक्ति भी है और हम उस पर अपना धन खर्च करने की क्या है, खर्च करने की तत्परता भी है, तो इस स्थिति में ये जो हमारी इच्छा और आवश्यकता है वो क्या बन जाएगी, मांग बन जाएगी। तो यही हमारा मांग का अर्थ है कि एक निश्चित समय अवधि में किसी वस्तु को खर्च करने की योग्यता और इच्छा शक्ति क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। तो मांग का अर्थ हमारा ये हो जाता है। अब हमारे सामने आती है मांग की परिभाषा क्या है, तो यही मांग इसको ये मांग की परिभाषा में परिवर्तित कर सकते हैं कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने कहा है। जैसे मैं आपको एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फर्गुसन की परिभाषा के बारे में बताता हूं। तो फर्गुसन कहते हैं कि जब
एक निश्चित समय अवधि में अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें कौन सी हैं वो मैं बताऊंगा, अन्य बातें समान रहने पर किसी विशिष्ट वस्तु की, किसी विशेष वस्तु या विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट विशेष वस्तु को खरीदने की क्या है, खरीदने की इच्छा शक्ति हो और उसको खर्च करने की तत्परता हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। तो इसको देखने के बाद हमें यह स्पष्ट होता है कि जो किसी भी वस्तु की मांग है वो कई कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो कारक होंगे खर्च मांग के, पहला कारक है जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए, खर्च करने मतलब किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा शक्ति, ये एक कारक है। दूसरा है उसके साथ साथ खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, खरीदने की इच्छा, खर्च करने की तत्परता। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है जो है अन्य मतलब विशिष्ट समय अवधि होनी चाहिए, और विशेष समय अवधि में, विशेष समय अवधि में क्या होना चाहिए, कीमत और समय के बीच में संबंध होना चाहिए। कीमत का संबंध जरूरी है, अगर हमें कीमत पसंद नहीं आए तो हम नहीं खरीद पाएंगे। और कीमत के बाद में अगर हमें कीमत समझ में आ जाती है विशेष समय अवधि में तो हम क्या करेंगे, इसको खरीद सकते हैं। तो ये कई कारकों पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मांग का अर्थ हमने देख लिया है। मांग को जो परिभाषित करते हैं वो तत्व में अपन ने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि मांग तालिका क्या होती है या मांग वक्र हमारा क्या होता है, इसकी मान्यताएं देख लेते हैं। इससे पहले मान्यताएं क्या रहेंगी हमारी, मान्यता देखिए, मांग के नियम की मान्यताएं हम पीछे देखते आ रहे हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं अर्थशास्त्र में मान्यताएं बहुत ज्यादा चलती हैं। तो मैंने आपको भी एक चीज बोली थी, अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें कौन सी होंगी जिनको समान रखा जाए, तो हमारे सामने जो अन्य बातें हैं उनको मैं एक फलन की सहायता से दर्शा रहा हूं। डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उपभोक्ता की आय एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब देखिएगा इन सभी को हमने क्या मान लिया है, स्थिर मान लिया है। अब मैं बता देता हूं आपको यहां क्या क्या है। यहां पर dx जो है वो है वस्तु की मांग है, और ये निर्भर कर रही है किस पर, प्राइस ऑफ x, x वस्तु की कीमत, py, y वस्तु की कीमत, वाई वस्तु या संबंधित वस्तु जो भी है, टी है जो है उपभोक्ता की रुचियां एंड अधिमान, और जो अगला वाई है उपभोक्ता की आय को दर्शा रहा है। यहां पर उपभोक्ता की आय और एक्सपेक्टेशंस ई भविष्य की प्रत्याशाएं। अब देखिएगा यहां पर वस्तु की मांग ये किसको दर्शा रहा है, ये संबंध को दर्शा रहा है किस किस के बीच में, ये जो कीमत तत्व है, ये सारे तत्व और मांग मात्रा है, इन सारे तत्वों और मांग मात्रा के मध्य ये जो है संबंध को दर्शा रहा है। अब ये फलन कहता है कि वस्तु की मांग है किस पर निर्भर करती है, इन सभी तत्वों पर निर्भर करती है, लेकिन मैंने इसमें क्या है कुछ को कांस्टेंट कर दिया है। आप देख रहे होंगे पी वाई प्राइस ऑफ वाई टेस्ट उपभोक्ता की आय और भविष्य की प्रत्याशाएं, इन सभी को मैंने क्या कर दिया, स्थिर मान लिया गया है। तो यही हमारी अन्य बातें हैं, इंग्लिश में इसको सिट्रस पेरिबस कहते हैं या हिंदी में भी कई बार सिटेरस पेरिबस नाम शब्द आ जाता है, तो उस स्थिति में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिटेरस पेरिबस जो है क्या है, अन्य बातें समान रहने पर, इसी को ही सिटेरस पेरिबस भी कहा जाता है। अब देखिए एक्स वस्तु की कीमत है, इसको हम जो वस्तु खरीद रहे हैं, एक्स वस्तु खरीद रहे हैं या एक्स वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो उस वस्तु की कीमत तो परिवर्तनशील रहेगी, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर ही उसकी मांग हम कर सकते हैं।
लेकिन जो संबंधित वस्तुओं की कीमत है वो क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। अगर संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता क्या करेगा, दूसरी वस्तु का एक्स वस्तु से प्रतिस्थापन कर देगा। तो इस स्थिति में हमारे पास में जो मांग है वो परिवर्तित हो जाएगी। अब जो उपभोक्ता की रुचियां हैं और अधिमान है ये भी क्या रहने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए। ये स्थिर क्यों रहने चाहिए, सपोज करो उपभोक्ता बाजार में जाता है, बाजार में जाकर के ये सोच के जाता है कि मुझे 10 रुपए का पेन लेकर के आना है, और रास्ते में जाते जाते उसकी रुचि बदल जाए, नहीं 10 रुपए का पेन नहीं, 10 रुपए के मुझे कुछ एक्स वाई जेड कुछ वस्तु खानी है पेट में। लेकिन अगर वो उपभोक्ता रुचि को और अपने अधिमान को परिवर्तित नहीं करता है तो वो मांग कर रहा है किसकी, पेन की। गया घर से पेन की सोच के, मार्केट में उसकी रुचियां बदल गई, उसने दूसरी वस्तु को उपभोग कर लिया, तो मांग जो हम जिस वस्तु की कर रहे थे उस वस्तु की मांग परिवर्तित हो गई। तो इसलिए उपभोक्ता की रुचियां और अधिमान है उनको स्थिर मानते हैं। अगला जो हमारा आ जाता है उपभोक्ता की आय, जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय है उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है, मैं पुराने वीडियो जो उसमें बता कर आ चुका हूं, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है खरीदने की। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, मात्राओं की या जो भी वस्तु है जिसको उपभोग करना चाहता है उसकी मांग मात्रा बढ़ा देगा। मांग मात्रा बढ़ा देगा तो उस स्थिति में इसकी जो मांग है वो प्रभावित हो जाती है। तो उपभोक्ता की आय में ना तो कमी होनी चाहिए ना ही वृद्धि होनी चाहिए। माना कि उपभोक्ता घर से ये सोच करके निकलता है मुझे 10 रुपए का पेन खरीदना है, और उसने यही सोचा कि 10 ही रुपए मेरी जेब में है, लेकिन 10 रुपए उसके पास पहले से रखे हुए थे, 10 रुपए उसके पास पहले से रखे हुए थे, तो उपभोक्ता की आय होगी 20 रुपए। अब उपभोक्ता की जो आय है वृद्धि होगी, वृद्धि होने पर यह मांग कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए उपभोक्ता की आय है उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भविष्य की प्रत्याशाएं जो है इससे तात्पर्य यह है कि अगर उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदना चाहता है, सपोज करो मैंने आपको उदाहरण दिया है कि उपभोक्ता एक पेन खरीदने के लिए मार्केट जाता है और पेन की कीमत 10 रुपए है। अब उसको ये सूचना लगती है कि आज शाम को पेन की कीमत कम होकर के 8 रुपए होने वाली है, तो क्या करेगा, इसकी मांग नहीं करेगा, पेन खरीदने नहीं जाएगा। वो ये सोचेगा कि जब पेन 8 रुपए का होगा तभी मैं खरीदने जाऊंगा। या उपभोक्ता को सूचना लगती है कि कल जो पेन है 10 रुपए के बजाय 12 रुपए का हो जाएगा, तो क्या करेगा उपभोक्ता, एक से अधिक पेन खरीदने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही उसकी प्रत्याशाएं परिवर्तित होंगी उपभोक्ता की मांग मात्रा भी परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए कहा है कि अन्य बातें समान रहे, उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की रुचियां अधिमान है, भविष्य की प्रत्याशाएं हैं और संबंधित वस्तुओं की कीमत है, इन सभी को मांग के नियम में स्थिर माना गया है, ताकि केवल एक वस्तु जिस वस्तु को उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु के उपभोग में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप ही मांग मात्रा पर होने वाले परिवर्तन का प्रभाव देखा जा सके। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ मान्यताएं हैं जिनको अपन को आगे तक साथ में रख के चलना है और इसको ध्यान में रखना है। अगला हम देखते हैं मान्यताओं के बाद में है मांग के नियम की व्याख्या किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मांग के नियम की जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने के लिए हमारे पास में 2-3 चीजों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें सबसे पहला हमारे सामने आ जाता है मांग की तालिका। ठीक है, व्याख्या की बात करते हैं, व्याख्या तो व्याख्या जब हम कर रहे हैं हमारे सामने 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला है मांग तालिका की बात करें, मांग तालिका, ये जो तालिका होती है मांग तालिका, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका, और दूसरी जो होती है वो होती है बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, इन दोनों में क्या अंतर होता है, जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा एक समय अवधि में अलग अलग कीमतों पर एक ही वस्तु की अलग अलग मात्राएं खरीदी जाती हैं, तो उनको दर्शाने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूं, इसका एग्जाम्पल है, माना कि हम यहाँ पर कीमत लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु को हम खरीद रहे हैं, इसकी कीमत ले ली है, और इधर हम एक्स वस्तु की मात्राएं या मांग की मात्राएं ये भी एक्स है। एक विशेष समय अवधि में कीमत है 2 3
चार, हमने चार बिंदुओं को देखा है। और अब जब एक रुपए कीमत है तो उपभोक्ता चार इकाइयों का उपभोग कर रहा है, लेकिन वहीं जब कीमत बढ़कर के दो हो जाती है तो उपभोक्ता कम इकाइयों का उपभोग करेगा। उपभोक्ता की जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी मांग मात्रा फिर घटा देगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब व्यक्तिगत स्तर पर या एक किसी एक व्यक्ति की व्यक्ति के द्वारा एक वस्तु की अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्राएं खरीदी जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। लेकिन वहीं पर बाजार मांग तालिका क्या होती है, एक ही वस्तु की अलग अलग उपभोक्ताओं के द्वारा, विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा निश्चित कीमतों पर अलग अलग समय अवधि हो सकती है या निश्चित समय अवधि भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उपभोक्ता अलग अलग होंगे, कीमतें समान, मतलब अलग अलग कीमतों पर अलग अलग उपभोक्ताओं के द्वारा एक समय अवधि में खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राओं का योग जो होगा वो क्या कहलाएगा, बाजार मांग तालिका कहलाएगा। तो ये तो व्यक्तिगत मांग तालिका का उदाहरण था, बाजार मांग तालिका का उदाहरण हम इधर ले लेते हैं। ये व्यक्तिगत मांग तालिका है, इधर बाजार मांग तालिका हम ले रहे हैं। आप देखिएगा, प्राइस ऑफ एक्स 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं यहां पर दो उपभोक्ताओं की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा भी ले सकते हैं। अब QA QB, ठीक है, और यहां पर मार्केट की हम बात कर रहे हैं, बाजार मांग तालिका है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, QM A प्लस B, ठीक है। अब आप देखिए, एक वस्तु X वस्तु है, उसकी कीमत अलग अलग है, मांग मात्राएं A के द्वारा, मांग मात्राएं B उपभोक्ता के द्वारा, और ये समस्त, अब इसमें एक भी हो सकता है, 100 तक हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8, 6, 4, 2, देखिएगा, क्वांटिटी ऑफ ए, ए के द्वारा जब कीमत एक रुपए थी, आठ वस्तुओं को उपभोग किया जा रहा था, जब कीमत बढ़कर के दो रुपए हुई, मांग मात्रा घट गई, और मांग मात्रा घटने के बाद में छह इकाइयों को उपभोग किया जा रहा है। जैसे कीमत बढ़ती जा रही है, मांग मात्रा घटती जा रही है। इधर आप देख सकते हैं 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से। अब जब हम दोनों उपभोक्ताओं की एक रुपए जब कीमत थी वस्तु की कीमत जब एक रुपए है, तो कुल कितनी मात्राओं का उपभोग किया गया, कितनी मात्राओं को बेचा गया, कितनी मात्राओं को खरीदा गया, तो 8 + 4 = 12, 6 + 3 = 9, 4 + 2 = 6 और 2 + 1 = 3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये उपभोक्ता एक्स वस्तु की बाजार मांग को दर्शाता है, और इनको हमने तालिकाओं की सहायता से दर्शाया तो ये मांग तालिकाएं कहलाई। अगर हम इसी को ही रेखा चित्र के माध्यम से दर्शा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, बाजार मांग वक्र कहलाएंगे। चलिए हम मांग वक्र की बात करते हैं। यहां पर मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र व्याख्या का दूसरा रूप है मांग वक्र। अब मांग वक्र क्या होता है, जो मांग तालिकाएं हैं, हमने मांग तालिकाएं ली थी, मांग तालिकाओं का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। अब हम देखेंगे मांग वक्र को, हमने ए के लिए लेते हैं, कौन सा, व्यक्तिगत मांग वक्र, वही दो प्रकार के हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा और दूसरा जो होगा बी, वो बाजार मांग वक्र कहलाएगा। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग तालिका को रेखा चित्र के रूप में दर्शाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिगत मांग तालिका से तैयार होगा, ठीक है, व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है ये, व्यक्तिगत मांग तालिका। और ये किससे बनेगा, बाजार मांग तालिका से बनेगा, बाजार मांग तालिका, समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इसको रेखा चित्र के रूप में दर्शाते हैं। आप देखेंगे, पहले मैं व्यक्तिगत मांग वक्र की बात कर रहा हूं, तो इधर जीरो है, इधर एक्स है, इधर वाई है। अब तक हम दोनों पिछले वीडियो हम देख रहे थे, टॉपिक चेंज है, इसलिए हमने अलग अलग एक्स पर अलग अलग उनके लिए थे। इधर एक्स वस्तु की मांग मात्राएं हम लेंगे, मांग मात्राएं, और इस एक्स पर हम लेंगे कीमत को। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती जाएगी, वस्तु की मांग मात्रा में कमी होती जाएगी, कीमत में कमी होगी। अब इधर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, आप देखेंगे जब व्यक्तिगत मांग तालिका मैंने आपको बनाई थी,
प्राइस ऑफ एक्स 1, 2, 3, 4 थी, क्वांटिटी ऑफ एक्स थी 4, 3, 2, 1, ये थी व्यक्तिगत मांग तारीख अभी अपन ने बनाई थी। जब कीमत एक रुपये है तो उपभोक्ता 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, तो आप इसमें रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कि जब एक रुपये कीमत कीमत को हमने ऊपर लिया है, तो कीमत जब एक रुपये है तो उपभोक्ता क्या कर रहा है, 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, ठीक है। जैसे ही कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि हुई 2 रुपये के बराबर, तो उपभोक्ता ने क्या कर दिया, मांग मात्रा में इधर कमी कर दी, आप देख रहे हैं। इसके बाद में देखिएगा, जब कीमत बढ़कर के 3 रुपये होती है, उपभोक्ता मांग मात्राएं घटा देता है और ये आ जाएगी अपनी 2 रुपये। आप देखेंगे कीमत में और वृद्धि हुई, मांग मात्रा में और कमी हो गई, मांग मात्रा में कमी को हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अब आप देखेंगे आखिरी, जब कीमत बढ़कर के 4 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा घटकर के कितनी हो जाती है, 1 रुपये हो जाती है। अगर हम इन सभी बिंदुओं को किसी एक सीधी रेखा से मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, मांग वक्र बन जाता है, और ये मांग वक्र कौन सा है, व्यक्तिगत मांग वक्र बना है। इसी प्रकार से हम बाजार मांग वक्र बना सकते हैं। बाजार मांग वक्र बनाने के लिए हमारे पास में तालिका आपके सामने रखी है, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूँ। बाजार मांग की जो मात्राएं हैं उनको हम रखेंगे यहाँ पर, एक्स वस्तु को और कीमत के संबंध को भी प्रदर्शित कर रहा है, ये 0 है, इधर एक्स है, इधर वाई है, एक्स एक्स पर वही एक्स वस्तु की मात्राएं, एक्स वस्तु की मात्राएं ली गई हैं, इधर कीमत को दर्शाया गया है, कीमत आपकी वही 1, 2, 3, 4 है। अब आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को दायरा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4 इसलिए ले लिया क्योंकि अपने पास में मांग मात्राएं कम थी, अब यहाँ पर ज़्यादा है तो अपन 2 से स्टार्ट कर देंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। जब कीमत 1 रुपये है, आप देखेंगे प्राइस यहाँ पर मैं आपको 1, 2, 3, 4, जब की आप पिछला थोड़ा सा पेज करके पीछे जाकर देख सकते हैं, कीमत मैंने 1 रुपये ली थी, जब कीमत 1 रुपये है, 8 + 4 12 इकाइयां मांग की, तो जब 1 रुपये कीमत है तो मांग मात्रा कितनी हो रही है, 12 इकाइयों के बराबर डिमांड हो रही है। जैसे ही कीमत बढ़ करके कितनी हुई, 2 रुपये हुई, मांग घटकर कितनी रह गई, 9 रुपये रह गई, तो 9 रुपये आपके ये यहां पर आपके 9 रुपये हो जाएंगे। फिर जैसे ही कीमत और बढ़ी, 2 से 3 हुई, मांग मात्रा और घट गई, 6 इकाइयों के बराबर उपभोक्ता अपना उपभोक्ता 6 इकाई समस्त उपभोक्ता कर रहे हैं, और फिर और कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग मात्रा घट करके 3 के बराबर रह जाती है। तो इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास में एक मांग वक्र प्राप्त होता है, जिसे हम डीएम कह सकते हैं, बाजार मांग वक्र कह सकते हैं। तो ये बाजार मांग वक्र है जो इस बाजार मांग तालिका की सहायता से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम मांग वक्र की व्याख्या कर सकते हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाजार मांग वक्र है ये किस प्रकार का होता है, इसका ढाल कैसा होता है। तो हम बात करते हैं बाजार मांग वक्र के ढाल की, मांग वक्र के ढाल की। बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र दोनों ही समान हैं और दोनों के ढाल ही क्या होंगे, ऋणात्मक ढाल होते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यह था कैसा होता है, ठीक है। अब मैं कह देता हूं इसको, मैं नहीं, हमारा सिद्धांत कह रहा है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है क्यों होता है भाई, ऋणात्मक तो होता है, क्यों होता है। अब ऋणात्मक क्यों होता है, इसके हमारे सामने कारण है। कारण क्या क्या है, सबसे पहला मैं आपको कारण बता देता हूं, सीमांत उपयोगिता नियम। इसका कारण सबसे पहला है सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है। सीमांत उपयोगिता कौन सी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। मैं पुराने वीडियोज आप देखना सीमांत उपयोगिता वाले, मैंने आपको पुराने वीडियोज में बताया है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की हम उपभोग मात्रा बढ़ाते जाते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो वही यहां पर है कि जैसे जैसे उपभोक्ता ज्यादा मात्रा का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे उसकी जो उपभोग करने की शक्ति है, उसकी संतुष्टि की क्षमता है वो कम होती जाती है, इसलिए उसकी कीमत में भी कमी होती
उपयोगिता में कमी होती चली जाती है। और हम ये जानते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता होती है, सीमांत उपयोगिता कीमत का काम करती है, क्योंकि हमने सीमांत उपयोगिता रास नियम की सहायता से मांग वक्र का निरूपण किया है। आप पीछे जाकर के देख सकते हैं पिछले वीडियोस को। अगला जो है वो है कि आय प्रभाव। अब आय प्रभाव कैसे डिसाइड करता है? आय प्रभाव कहता है कि जब कीमत में कमी होती है तो कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप जो वस्तु होती है, किसी भी वस्तु की कीमत में कमी हुई, कीमत में कमी होने पर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेज, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होगी तो क्या होगा, उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है, वास्तविक आय या क्रय शक्ति हम कह सकते हैं, वो बढ़ जाती है। और वो बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कीमत में कमी हुई, वास्तविक आय बढ़ी या क्रय शक्ति बढ़ी, क्रय शक्ति बढ़ी तो अधिक मात्रा का उपभोग करेगा। इसलिए देखिए आप ऋणात्मक संबंध दोनों के बीच में पाया जाता है। तीसरा जो हमारा मेन कारण होता है ऋणात्मक होने का, वो है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है कि जब किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वह वस्तु दूसरी वस्तुओं की तुलनाओं में क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। और दूसरी वस्तु की कीमत तुलना में सस्ती होती है तो उपभोक्ता क्या करता है, संबंधित वस्तुओं की खरीद मात्रा कम करके और उस सस्ती वस्तु की तरफ अपने प्रतिस्थापन दे देता है। तो इसलिए जब कीमत में कमी होगी तो जो सस्ती वस्तु होगी उसकी मांग मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मांग मात्रा बढ़ने पर इनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो ऋणात्मक संबंध होता है। अगला जो आता है वह जाता है चौथा, कि इनके विभिन्न उपयोग होते हैं, विभिन्न उपयोग होते हैं, तो विभिन्न उपयोग होने के कारण भी क्या होता है, इनके बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जितने ज्यादा उपयोग होंगे उतनी ही मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। और अगला लास्ट जो हो जाता है वो होता है उपभोक्ता के समूह का आकार। उपभोक्ता का समूह जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और वहां बार्गेनिंग पावर ज्यादा चलती है, तो इस वजह से भी बाजार मांग वक्र है या मांग वक्र है जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से जो मांग वक्र है हमारा ऋणात्मक पाया जाता है। तो इस प्रकार से मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, आय प्रभाव के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव, विभिन्न उपयोग और उपभोक्ता के समूह का आकार। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगला जो लेक्चर करेंगे उसमें हम बताएंगे आपको कि जो उपभोक्ता का नियम है या सॉरी मांग का नियम है, इसके क्या तो अपवाद होते हैं और मांगी गई मात्रा, मांग मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, क्या संबंध होते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसी के साथ नमस्कार।